हाय गाइस, मैं रंजना सेजल पार्लर से आज मैं एक मेकअप का वीडियो लेके आई हूँ। ये थोड़ा सा अलग मेकअप का वीडियो है। मैंने पहले हाइलाइटर लगाया है फेस पे, आपको मैंने वो दिखाया था हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने 30 सेकंड के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मॉइस्चर के बाद एक 30 सेकंड के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है। गाइस, ये मेकअप का बहुत ट्रेंड चल रहा है जिससे फेस शाइन करता है, तो मैंने पहले हाइलाइटर यूज़ करके ये सब चीज़ें यूज़ की। अब देखना, और इसके बाद मैंने ये दोनों फाउंडेशन मिक्स करके फॉरएवर का है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने मेकअप की वीडियो की डिटेल भी बताई है कि मैं कौन सा मेकअप यूज़ कर रही हूँ। फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया गाइस मैंने। ये फाउंडेशन के बाद, जैसे कि आपने मेरे पहले के वीडियो में भी देखा होगा, इसके अपना चेहरा जो है पूरा फ्लैट हो जाता है, तो उसको हमें हाईलाइट करना होता है। तो जस्ट मैंने ये हाईलाइटिंग के लिए ये कंसीलर यूज़ किया है। ये जो मेकअप किया है ये शाइनिंग मेकअप है गाइज। आपने देखा होगा एक्ट्रेस लोग को, जो उनकी स्किन बहुत शाइन करती है, तो इस तरह से मेकअप हम करते हैं हाइलाइटर पहले यूज़ करके। ये मैंने फिर स्विच ब्यूटी का सेटिंग पाउडर यूज़ किया है, कॉन्टोर यूज़ किया है गाइज फॉरएवर का। इसलिए मैंने अपर साइड में ब्लेंडिंग की है। फोरहेड पे कॉन्टोर किया है। नोज पे ले लिया है गाइस मैंने कॉन्टोर। चीन एरिया में मैंने कॉन्टोर किया है हल्के हाथों से गाइज, आपको ब्रश घुमाना है। इसके बाद मैंने ब्लश लिया है, ब्लश आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ टैबिंग ही कर रही हूँ ब्लश को गाइज। ये मेकअप मैंने इसीलिए किया शाइनी मेकअप, कि मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था किसी की फ़ोटो दिखा के तो मुझे ऐसा शाइनिंग मेकअप करके दिखाओ करके, तो मैंने इसलिए इस टाइप का मेकअप किया गाइज। तो आपको भी अगर ऐसे ही कुछ आपको कोई है कि हाँ इस टाइप का मेकअप करो या इस टाइप का हेयर कटिंग करो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं गाइस। ये मैंने हाइलाइटर किया है बनाना पाउडर से कॉन्टोर ब्लश के नीचे, कि मेरा जो मैंने ब्लश किया है कॉन्टोर किया वो हाईलाइट होके दिखे। ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है फॉरएवर 52 का। हाइलाइटर के बाद मैंने स्प्रे सेटिंग स्प्रे उस पर मार लिया है। उसके बाद मैं ये करी से बहुत अच्छे से हाइलाइंस होता है अगर आप इस तरह से हाइलाइटर लगाते हैं गाइस, बहुत अच्छा लगता है। मेकअप कभी भी कम क्वांटिटी में ही यूज़ कीजिए, मेकअप बहुत अच्छा यूज़ होता है, नहीं तो क्रिकी हो जाता है। मैंने ये लिप्स पे लगा लिया है हाइलाइटर, मैंने नोज पे मैंने ये क्रीम बेस हाइलाइटर यूज़ किया है स्टिक का। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने चलो ट्राई कर लेती हूँ मैं इसे। ये लिप लाइनर यूज़ कर लिया मैंने गाइस, फॉर एवर 52 का ही ये लिपस्टिक पैलेट है।
जैसे मैंने आपको कहा है कि आप लिपस्टिक पैलेट ले लीजिए, सबसे बेस्ट है ये। मैंने इसके ये दो कलर मिक्स करके लगाए हैं। थोड़ा ब्राउन शेड मिक्स किया है मैंने मजेंटा कलर में। थैंक यू गाइस। ये मेरा नया मेरा ट्रिक है जो मैंने अपने मेकअप के वीडियो में भी बताया है। मैंने इस पे कंसीलर यूज़ कर लिया है अपने पाउच पे। ये मेरा आई शेडो पैलेट है गाइस। मैं अपने प्रोडक्ट भी आप लोग को बताते जा रही हूँ कि आपको अगर खुद मेकअप भी करना हो तो आसानी हो। ये मेरा लिप ग्लॉस, अब मैंने कंसील किया अपनी आंखों को फॉर एवर 52 के पैलेट से ही। इसके बाद ब्लेंडिंग, ये फॉर एवर 52 का मेरा फेवरेट मेकअप का पैलेट है, तो उसमें से मैंने ये लाइट शेड करके मैंने पहले यूज़ किया है लीव एरिया पे। इसके बाद ब्राउन शेड, ये फिर मैंने ब्लेंडिंग कर ली है हल्के हाथों से। इसके बाद मैंने शिमर आई शेडो यूज़ कर लिया है। देख सकते हैं मैंने लोअर लाइन पे भी यूज़ किया है, वाटर लाइन पे। पहले लाइट ब्राउन शेड जो मैंने ऊपर आपको पे यूज़ किया था, फिर डार्क ब्राउन शेड, देन इसके बाद मैं इसे मर्ज कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने आईब्रो बोन पे मैंने हाईलाइट किया है। गाइज आप मुझे ये मेकअप का नाम बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि इस मेकअप को क्या बोलते हैं करके। इसके बाद मैंने आई पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है इनर कॉर्नर पे। इसके बाद मेरा ये फेवरेट पीसी का काजल है गाइज, मुझे बहुत पसंद है न्यूट काजल। मेरी आईब्रो को मैंने शेप नहीं दिया है, मेरी आईब्रो को मैंने बढ़ा रखा हुआ है गाइस, तो मैंने ज़्यादा इस पर कुछ किया नहीं है आईब्रो को। इसके बाद मेरा मस्करा, पहले एक एक सिंगल कोट लगाइए, फिर इसके बाद फिर रिपीट कीजिए। आप बार बार उस पर करते रहेंगे तो मस्करा प्रॉपरली नहीं लगेगा और जल्दी सूखेगा नहीं गाइस। ये मेरा फाइनल लुक है गाइज़।